नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कोशिश हुई कामयाब एक पहाड़ी लड़की के 10 वर्ष के हो जाने के उपरांत स्कूल जाने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्त की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति व वाक्य निर्माण से पाठ को दोहराया जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि को कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से जुड़े हुए शब्दों, नए वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि वाले शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहेंगे। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो और साथ ही गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा दिया गया हो, जिससे कि छात्रों की जिज्ञासा बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज की जो गतिविधि है उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई छात्रों द्वारा पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स में से पर्ची को निकालता है तथा बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने आगे आके पर्ची निकाली और उस पर बघिर शब्द लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ेगा और बताएगा कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकते उन्हें बघिर कहते हैं। इस प्रकार एक एक कर सभी छात्र इस गतिविधि में भाग लेते हैं और इस तरह से इस गतिविधि के अंत में शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हमने पाठ कोशिश हुई कामयाब से नए नए शब्दों और वाक्यों को जाना तथा सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल, पुनः उपयोग, स्वच्छता, पुनः चक्रण, शिल्प इत्यादि को पहचानना, वस्तु और स्थानों तथा भोजन आदि को संकेतों से पहचानने की कला विकसित करना तथा विद्यालय, परिवार, आसपास के परिवेश को भी पहचानने की क्षमता छात्रों में विकसित होती है। शब्द सागर गतिविधि से छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं तथा प्रश्न पूछते हैं, तर्क देने और बातचीत करने की कला विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता और मन की बात आदि को कहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCERT 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। शिक्षक
पाठ कोशिश हुई कामयाब को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस प्रकार ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।